हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सुमन ढाका में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आटे का दानेदार हलवा। तो आटे का हलवा फ्रेंड्स बहुत ही इजी सी और सिंपल रेसिपी है, हर कोई इसको बहुत ही आसानी से बना सकता है। और आटे का जो हलवा है वो बहुत कई प्रकार से बनता है। मैंने भी इसकी दो तीन रेसिपीज बना रखी हैं जो मैं आपको आई बटन में मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है आटे का दानेदार हलवा। तो फाइन आटे से दानेदार हलवा कैसे बनाएं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि दानेदार हलवा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा दरदरा आटा चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि दरदरा आटा अवेलेबल हो और हमारा मन कर रहा हो कि हमें आटे का दानेदार हलवा खाने का मन है तो उसको कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, जो फाइन आटा होता है, पैकेट्स का जो आटा होता है वो बहुत ही फाइन होता है। तो उससे हम दानेदार हलवा कैसे बनाएं वो मैं आज आपको इस रेसिपी में बताऊंगी कि कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही अच्छा और कारगर टिप्स है, इसको ज़रूर फॉलो करना तो आपको वैसे ही आप बना सकते हो। तो ये जो हलवा होता है ये पौष्टिक भी होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। और फ्रेंड्स, ये सभी को बहुत पसंद होता है। जब भी कुछ भी नहीं हो और मीठा खाने का मन कर रहा हो तो आप इसको फटाफट से बना सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, बहुत कम सामान के साथ बन जाता है। ये चीनी, आटा और बस घी, इसके साथ ये बन जाता है। ड्राई फ्रूट्स इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहो तो ये आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये गेहूँ के आटे का है तो पौष्टिक तो बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि फाइन आटे से आप कैसे बिल्कुल दरदरे आटे की तरह बनाएं ये दानेदार हलवा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, दानेदार हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तो मैंने ये एक कटोरी आटा लिया है, इस आटे को हमें भून लेना है। तो ये मैंने एक हैवी तलवे की कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने इसको गरम कर रखा है और इसमें मैंने ये आटा डाल दिया है। आटे को हम धीरे धीरे करके इसमें रोस्ट कर लेंगे। जो गैस की फ्लेम है उसको हम फुल नहीं करेंगे, सिम फ्लेम में ही हम इस आटे को भून लेंगे। और धीमी धीमी आंच में जो हमारा आटा रोस्ट होगा तो आटे में बिल्कुल आराम से दाने दाने से अपने आप आने लग जाएंगे, जो हमारा फाइन आटा है उसके दाने बन जाएंगे। तो हम इसको भून लेते हैं पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आटे को भून रही हूँ। फाइन आटे में एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम सूखे आटे को भूनेंगे फाइन आटे को तो वो आटा बाहर ऐसे निकलता बहुत है। तो इसको बड़ी कढ़ाई में ही भूनें और इसको बहुत ही सिम आंच में भूनें, नहीं तो जो फाइन होता है आटा वो इसमें चिपक जाएगा और जल जाएगा और फिर हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि वो कड़वा हो जाएगा आटा। इसलिए हमें इसको स्लो आंच में और धीमे धीमे भूनना है। तो ये देखिए आटा हमारा सिक गया है अच्छे से। इसमें से जब ये सिक जाता है तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। और ये देखिए इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है। तो आटा हमारा सिक गया है और ये अभी हमें इसमें क्या करना है, इसमें या तो आप आटे को निकाल के इसमें घी डाल सकते हो या फिर जो भुना हुआ आटा है इसी के अंदर आप घी डाल सकते हो। तो जितना आप आटा है उसके अंदर आप आराम से घी डाल के देख लीजिए कि कितने घी की आपको जरूरत है आटे में। थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिए और आटे को इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। जरूरत हो तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए घी मैंने जितना ही डाला था, जितना हमारा आटा था, तो आटा उसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसको फिर से पका लेते हैं घी के साथ अच्छे से। तो मैं गैस की फ्लेम को सिमी रखूंगी, मीडियम रखूंगी, मीडियम में मैं इसको पका लूंगी। तो ये देखिए घी के साथ आटा जो है वो अच्छे से भुनने लग गया है। जब आटा हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो इसकी एक ही पहचान होती है कि वो घी को छोड़ देता है और अच्छे से ही सिक जाता है। तो ये देखिए आटा हमारा भुन गया है, ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर ये ज़्यादा भुनेगा तो फिर इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में।
अभी हमारा आटा जो है वो परफेक्ट भुन गया है। अभी हमें क्या करना है, मैंने ये गर्म पानी लिया है, इसको मैंने गर्म कर लिया था पानी को, तो मैं गर्म पानी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो मैं इसको हिलाते हुए जितने पानी की इसमें ज़रूरत होगी मैं उतना ही पानी इसके अंदर डालूंगी। पहले मैं इसको हिलाते हुए ऐसे मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए गाढ़ा है हमारा अभी ये आटा, तो मैं इसमें पानी और डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स जो आटे का हलवा हम बनाते हैं इसमें एक कटोरी आटा होता है तो उसमें घी लेते हैं, तो अगर हमारा घी सॉलिड है तो हमें आधा कटोरी लेना है, अगर लिक्विड है तो हमें एक कटोरी जितना हम भर के लेते हैं उस कटोरी के बराबर लेना है घी, और अगर घी जो चीनी है चीनी भी हमारी उसके अंदर एक कटोरी जितना आटा है उतनी हमारी एक कटोरी चीनी लगती है, और पानी का इसमें आप हिसाब कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पतला बनाना है हलवा तो आप इसमें पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, और आपको हलवा अगर पतला नहीं पसंद है गाढ़ा पसंद है तो आप कम पानी डाल सकते हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी आटा चीनी और घी इसको तो एक रेशियो में ही डालना होता है। तो ये देखिए मैंने पानी थोड़ा और डाल दिया है ऊपर से, अब मैं इसको अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे ही हिलाऊंगी तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा नीचे, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है उसका जो तलवा है बहुत ही हैवी है तो इसमें भी बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो ये देखिए पानी इसमें अच्छे से एडजस्ट हो गया है। अभी हमें डालना है चीनी। तो ये देखिए मैंने एक कटोरी भर के पूरे आटे की ली थी और मैंने इतनी कटोरी खाली 1/4 के लगभग मैंने चीनी ली है, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा ही डालूंगी मीठा। आप इसको भर के भी ले सकते हैं पूरी, अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना अच्छा लगता है तो आप इस कटोरी को पूरा भर के ले सकते हैं जितना आपने आटा लिया है उतना। अब मैं चीनी को भी इसके अंदर अच्छे से मिला देती हूँ, तो ऐसे हिलाते रहिए, हिलाते हिलाते चीनी इसमें आराम से एडजस्ट हो जाएगी। और ध्यान रहे फ्रेंड्स जब पानी डालो तो थोड़ा सा हमें हलवे को गाढ़ा छोड़ना है, क्योंकि जो चीनी हम डालते हैं इसके अंदर तो चीनी भी पानी छोड़ती है तो वो ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा, इसलिए जब पानी डालो तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना है कि हमें थोड़ा सा हलवे को गाढ़ा छोड़ना है क्योंकि चीनी मिलती है फिर इसलिए। तो मैं इसको ऐसे कंटिन्यू हिलाती रहूँगी ताकि जो चीनी है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो नीचे चिपक जाएगी। जैसे हम किसी भी कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें मीठा डालते हैं तो मीठा डालने के बाद में वो चीज़ नीचे चिपकने लग जाती है, तो हमें हलवे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसे उलट पुलट करके इसको कंटिन्यू मिलाते रहना है ताकि चीनी जो है वो इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा हलवा जो है वो बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल भी ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा है कढ़ाई में कहीं भी, इसको ऐसे ही हिलाएंगे तो पूरी कढ़ाई बिल्कुल क्लीन है नीचे से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको ये हलवा अगर दानेदार बनाना है तो इसका एक ही टिप्स है, आप पहले जो आपका फाइन आटा है उसको आप पहले भून लीजिए, और दूसरा टिप्स है इसमें कि आप जो पानी डालते हो हलवे में वो पानी आप गर्म करके डालिए, उससे हलवा आपका और भी अच्छा और लुक में भी अच्छा दिखेगा और टेस्टी भी बनेगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ सर्व करके। तो फ्रेंड्स देखिए हलवा बनके तैयार हो गए हैं, और कितना बढ़िया हलवा बना है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कैसे दाने आ गए हैं एकदम से, ये देखिए ये देखिए ये जो ऐसे ऐसे करते हैं हम, तो ये देखिए जो ये चीज़ दिखती है ये बिल्कुल दानेदार हलवा बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल भी ऐसे लाई की तरह नहीं लपट रहा, ये देखिए इसमें दाने आ रखे हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये देखिए कितनी बढ़िया हलवा बनके हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आटे का दानेदार हलवा बनके तैयार हो गए हैं, और जो ये देखिए इसमें घी कैसे अपने आप दिख रहा है, क्योंकि जब ये हलवा बनके तैयार हो जाता है तो घी छोड़ देता है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये दानेदार आटे के हलवे की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पे जो कोई न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको
कैसी लगी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही आपके साथ फिर मिलूंगी आपको ऐसी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।